ओशो ने कहा था, 25 साल हो गए मुझे मरे हुए, मैं तो अब बांस की पोंगरी हूं, जो गीत उसे गाना हो वो गा ले, मैं कौन हूं जो रोकूं, मैं तो जा चुका हूं, अब परमात्मा को जो करवाना है करवा ले। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरा अहंकार मर गया, अब मैं सिर्फ बांस की पोंगरी हूं, जो गीत गाना हो वो गा ले। वेद और आनंद जयेश ऑरेगन कंट्री जेल के बाहर खड़े थे, जहां पर ओशो को कैद किया गया था। आनंद जयेश, ओशो ने अपना साइलेंस कब तोड़ा और क्यों? वेद, ओशो ने अपनी साइलेंस 3.5 साल पूरे होने के बाद 30 अक्टूबर 1984 को तोड़ी। उस दौरान उन्होंने कहा था, वो सच बताने के लिए सामने आए हैं। ओशो सबके सामने आए और उन्होंने कहा, मुझे रजनीशपुरा आश्रम में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शीला ने मेरी साइलेंस का फायदा उठाया है, मैंने उससे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था। वहां ड्रग्स, सेल्मोनेला वायरस, बायो टेरर अटैक और भी जितने इल्जाम आश्रम पर लगाए गए थे, उन सब से ओशो ने खुद को काट लिया। उन्होंने कहा, यह सब शीला की गलती है, शीला ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे अंधेरे में रखा है, मेरा नाम लेकर उसने आश्रम में सारा गलत काम किया, मैं दोषी नहीं हूं, मुझे किसी बात की जानकारी नहीं थी। ओशो शीला पर जमकर बरसे। शीला इससे पहले तक ओशो के बारे में कहा करती थी कि उन्हें भगवान रजनीश से बे इंतहा प्यार है और वो ओशो के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन जैसे ही ओशो बाहर आए उन्होंने अपने सारे सन्यासियों के सामने कहा, मैं एक सेक्रेटरी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो मेरी सेक्रेटरी थी, मेरा काम देखती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मैंने उस पर भरोसा किया, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। और वही शीला अमेरिका छोड़कर यूरोप जा चुकी थी। दूसरी ओर ओशो हर एक इल्जाम से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, वो मुकर रहे थे, लेकिन सबूत ओशो के रजनीशपुरम आश्रम के खिलाफ निकले और ओशो को 12 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट को लगा था कि जब ओशो को जेल में डाला जाएगा तो उनके सन्यासी विरोध करेंगे, दंगे पर उतर आएंगे, हल्ला मचाएंगे, तब शांति भंग करने को लेकर इन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओशो के सारे डिसाइपल्स शांत रहे। ओशो 12 दिन तक जेल में रहे। जिस जेल में ओशो थे वहां एक तरह की बीमारी फैली हुई थी, लेकिन ओशो को फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जेल में जहां से ओशो निकलते उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती थी, उन पर फूल निछावर किए जाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि जेल जाने के बाद भी ओशो का क्रेज खत्म नहीं हो रहा था। कोर्ट में भी मुकदमा चला, वहां पर भी अमेरिकन गवर्नमेंट को लगा था कि इस मुकदमे से परेशान ओशो के शिष्य बवाल मचाएंगे, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, सब ने ओशो का सपोर्ट किया पर बहुत ज्यादा शांति के साथ। ओशो का कोई भी शिष्य नाराज नहीं हो रहा था, किसी ने किसी भी तरह का बवाल नहीं मचाया और ये गवर्नमेंट के लिए भी हैरान करने वाला था। आखिरकार कोर्ट और अमेरिकन गवर्नमेंट के फैसले सामने आए और ओशो से कहा गया कि अब आप अगले 5 साल तक अमेरिका नहीं आ सकते। ओशो को भले ही अमेरिका से देश निकाला दे दिया गया था, लेकिन उन पर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा था, बहुत सारे आरोप उन पर लगाए जा रहे थे। ओशो बस जगह बदलते रहे, वो पहले इंडिया वापस आए, वहां मुंबई में रुके, फिर वहां से मनाली निकल गए, मनाली के बाद नेपाल, उसके बाद स्टॉकहोम, फिर 1986 में ये मुंबई वापस आए और पुणे के आश्रम में आकर रहने लगे। कई बार ये मुद्दा भी उठाया जाता है कि मां आनंद शीला ने ओशो को मारने की कोशिश की थी। जब वो ओशो के आश्रम में काम कर रही थी तो उन्होंने ओशो और उनके पर्सनल डॉक्टर की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई थी और
आनंद शीला आज भी इंटरव्यू देती हैं, सबके सामने आकर बात करती हैं, और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कबूली है। उनका कहना है कि भले ही भगवान रजनीश से उनके संबंध खराब हो चुके थे, वो उनके साथ काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो आज भी उन्हें भगवान रजनीश मानती हैं और उनसे उतना ही प्रेम करती हैं। आज हम हर इंटरव्यू में देखते हैं कि भले ही माँ शीला ओशो के फेवर में बोलती हैं, ओशो से अपना लगाव दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन साइलेंस तोड़ने के बाद ओशो ने आनंद शीला के खिलाफ ही बात की थी। इसके बाद ओशो 1985 में भारत वापस आए और पुणे आश्रम में जाकर रहने लगे। इससे पहले वो इधर उधर जाते रहते थे। पुणे आश्रम में रहते हुए ओशो ने फिर लेक्चर देना शुरू किया और 5 साल तक पुणे आश्रम में रहने के बाद 1990 में इनकी मौत हो गई, जिसकी कहानी हम पहले ही सुन चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि माँ आनंद शीला का क्या हुआ? क्या वो यूरोप में यूं ही भागती रहीं, या फिर उन्हें भी कोई सजा मिली? और देखा जाए तो अगर आप गलत काम करते हैं तो सजा तो होती ही है, सजा से कोई भी बच नहीं पाया है, तो आनंद शीला कैसे बचती? उन्हें ऑरेगन कंट्री जेल में 39 महीने के लिए रखा गया। दरअसल उन पर अमेरिका की एक अथॉरिटी के मर्डर की कोशिश और आश्रम में ही मर्डर अटेम्प्ट का इल्जाम लगाया गया था। उन पर बायो टेरर अटैक का इल्जाम लगाया गया था। यह अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अपराध था। अमेरिका में उन्हें 20 साल की फेडरल प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, लेकिन उनके अच्छे बिहेवियर के कारण 39 माह के बाद ही उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। उन पर $470,000 का फाइन भी लगाया गया था। शीला जेल से बाहर आई। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने गुनाहों को कबूल करती हैं, तो उनका कहना था कि वो अपने गुनाहों की सजा 39 महीने तक जेल में रहकर काट चुकी हैं। अब अपनी बची खुची जिंदगी में लोगों को ये कोई हक नहीं बनता कि वो उन पर बार बार सवालों की बौछार करें और उन्हें परेशान करें। उनका कहना था कि उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है, और उनके लिए जिंदगी का सबसे दुखद पल वो था जब ओशो ने उनके खिलाफ सामने आकर ऐसी बातें कही। शीला आज आराम से स्विट्जरलैंड में रहती हैं और नर्सिंग होम चलाती हैं। शीला कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए आज उन्हें पछतावा हो। उन्हें कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब ओशो भारत के पुणे में इतना बड़ा आश्रम चला रहे थे तो उन्हें अमेरिका में जगह ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वेद, अब हमारी वापसी का सफर शुरू होगा। हम वापस भारत जाएंगे और पुणे आश्रम में जाकर समझेंगे कि आखिर एक आम सा इंसान एक आचार्य कैसे बना और क्यों भारत में उसे जगह नहीं मिली। वो कौन से ऐसे लेक्चर थे जिन्होंने ओशो को विवाद के कटघरे में खड़ा? दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जानकारी के लिए सुनते रहे A1 स्टोरी। धन्यवाद।